लोग जहां जुआ खेलते हैं वहां रहो, और बोले लोग जहां पर हिंसा करते हैं वहां रहो, जहां वैश्यागमन करते हैं वहां रहो। ये चार जगह हैं जहां कलयुग रहता है। कहां? वैश्यागमन, मदिरालय, जुआलय और हिंसा। बोले महाराज एक जगह और दे दो। क्या? बोले स्वर्ण में निवास दे दो। बोले तथास्तु, दे दिया। और राजा के सर पे मुकुट सोने का, ऋषि का अपमान किया, श्राप लगाए, तिलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे अनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे सातवें दिन तक्षक डसलेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये कलयुग की वजह से श्राप लगा। जिन लोगों के दिमाग पे कलयुग हावी है वो व्यक्ति धर्म पर विश्वास नहीं करता, वो साधुओं का, संतों का अपमान करता है, अपने ग्रंथों का अपमान करता है, पुराणों पर विश्वास नहीं करता। कौन? जिस पे कलयुग हावी है। और जिस पे गुरु कृपा हावी है, जिस पे गोविंद की कृपा हावी है, जिस पे पुराणों की कृपा हावी है, जिस पे अपने सत्कर्मों की कृपा हावी है, वो व्यक्ति धर्म करता है, नाम जपता है, पुराणों पर यकीन करता है, साधु संत ब्राह्मणों का सम्मान करता है। मैं पहले बोल चुका हूं मैं साधु नहीं हूं, मैं खुद भी यही इंटरेस्टेड होता हूं कि साधुओं का सम्मान हो। तो मेरे प्यारे, राजा को श्राप लगा, राजा ने घर छोड़ दिया, सातवें दिन मृत्यु है राजा की। आपकी मृत्यु सातवें दिन होगी इस बात की गारंटी नहीं है। Whatever you want, you do now, you do today. Who has seen tomorrow? अच्छा, जो भी करना चाहते हो आज करो, अभी इसी वक्त, just now. कल तो किसने देखा? अभी लोग कल देवी जी के मंदिर में भगदड़ मची और 115 लोग उसमें जवान नहीं होंगे, उसमें बच्चे नहीं होंगे। और तकलीफ तब होती है जब हमारी लीडरशिप ऐसे लोगों, ऐसे प्रकरणों पर भी राजनीति करती है। तकलीफ होती, कष्ट होता है। केदारनाथ में हजारों लोग, अनकाउंटेबल, कोई कितना भी कह ले कि 2000 मरे कि 5000 मरे, मैं दावे से कहता हूं कोई पूरा नहीं बता सकता कितने मरे। कैसे बताओगे जब तुम्हें ये नहीं पता कि वहां गए कितने और लौटे कितने? हर वक्त लाखों लोग रहे केदारनाथ में, तुम कहते हो 4000 लोग मरे, 5000 लोग मरे। भूल जाओ साहब, इन बातों को भूल जाओ। ये दैविक प्रकोप हैं, इनसे कोई नहीं बचा सकता आपको। विश्व में कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो दैविक प्रकोप से आपको बचा सके। पूरे विश्व में कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो परमात्मा की सत्ता से भिड़ सके। तुम भी नहीं और मैं भी नहीं और कोई और नहीं है क्या? अगर तुम्हारे घरों में भी कोई सी जवान की मौत होती है तो रोक के दिखाओ। किसी बूढ़े की मौत होती है तो उसे चंद दिन और जिला दो। तुम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज नथिंग इज योर हैंड, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। सब कुछ मेरे भगवान के हाथ में है। कईयों के बेटे गए होंगे केदारनाथ की यात्रा में, कईयों की बेटियां, कईयों की पत्नी, कईयों के पति, कईयों की मां, कईयों के पिता। और कल भी ऐसा ही हुआ। मौत किसी का इंतजार नहीं करती, कोई माने अथवा मत माने। लोग पानी पीते पीते मर जाते हैं, लोग सोते सोते उठते ही नहीं। मौत किसी भी रूप, किसी भी वक्त आ सकती है। इसलिए सच्चा मानव वही है जो अपनी मौत के प्रति जागरूक रहे और अपना संबंध परमात्मा से स्थापित करके हर दिन मौत के लिए सजग रहे और तैयार रहे। की दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। की दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। मैं ये
लिए भजन गाऊंगा, आप लोग करते रहे अपना कार्य। लेकिन राजा परीक्षित घर छोड़कर चले गए, कहां गंगा के तट पर। आप भी अपनी मौत को याद रखिए, 7 दिन का भरोसा नहीं है कि 7 दिन भी लाइफ में है कि नहीं। आई डोंट नो, आई हैव 7 डेज ओनली, आई डोंट नो, यू डोंट नो, वी डोंट नो। इसलिए तैयार रहिए हर दिन अपनी मौत का सामना करने के लिए, क्योंकि जीवन की सच्चाई यह है। अगर आप भागवत संपूर्ण सुने तो मौत भी स्वर्ग बन जाएगी, मौत आनंद बन जाएगी, मौत उत्सव बन जाएगी। की दम दा भरोसा यार नावे, की दम दा भरोसा यार नावे, हे राधा नाम आधार दम्बावे नावे, हे राधा नाम आधार दम्बावे नावे। तेरे जीवन के दिन चार, समझ ले मन में ओ बंदे, छोड़ दे सारे मोटे धंधे, छोड़ दे सारे मोटे धंधे, चढ़ चला कोई बाने जाप जंजे, सोच समझ ले मन में रुबंदे, छोड़ दे सारे कोटे धंधे, छोड़ दे सारे कोटे धंधे। हर मन में सोच में सोच विचार दम आवे नावे, हे राधा नाम आधार दम आवे नावे, हे राधा नाम आधार दम आवे नावे, दम आवे नावे, दम आवे नावे, दम आवे नावे,
दम द भरोसाया। दोनों हाथ ऊपर करिए, बैठ जाइए, सब बैठ जाए। जब तक आरती न हो तब तक जाना नहीं, बैठ जाओ। दोनों हाथ ऊपर करो। की दम द भरोसाया दम आवे ना आवे, की दम द भरोसाया दम आवे ना आवे, दम आवे ना आवे, दम आवे ना आवे, दम आवे ना आवे। जोर से बोलेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जिंदगी का भरोसा नहीं है, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दीप बुझ जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हर पल जियो आनंद के साथ, मेरे कृष्ण के साथ। जिंदगी को गम मत बनने दो, जिंदगी को उत्सव बना लो। और जिंदगी दुनिया के साथ कभी उत्सव नहीं बन सकती, जिंदगी जीवन सिर्फ मेरे परमात्मा के साथ उत्सव बन सकता है। इसलिए आइए हम और आप सभी अपने जीवन को उत्सव बनावें और अपने जीवन को कृष्ण में लगा दें। बोलो राधे राधे। श्यामा तेरे आरती कन्हैया तेरे आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, सिर पर सोहना मुकुट मेरा है, जग में जल्दी माला साजे, और फूलन के हार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरे आरती कन्हैया तेरे आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, रखियो लाज हमार करेगा कर जोर के, तेरे आरती सारा संसार करेगा कर जोर के, अपने चरण की भक्ति दे दो, अपनों से सेवक मोगे कर दियो, करो भव सागर पार करेगा कर जोर के, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरे प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा मारम के पद पावे, पढ़े सुयस अपार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, करेगा कर जोर के, ओम दंताय पितमहि भक्तोंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नमः
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् श्रीवन्द गावकुलजं भगवान लाभ जय पुण्य जाति कर वीर साल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुवंद पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः मंद पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रिया कांत जो मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम छठी करा वृंदावन रोड मथुरा उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 07351112221 07351111331 07351111441 वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vsscity.com ईमेल info@shantisevadham.com info@vsscity.com। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराष्ट्र के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।